बात भली दिन पादरा पेंडे में पाखा बोर घर भींडड़ घोड़ा जिने पसे लाडू मारे छोर। चोर बादा संदा मामला दरिया में संदा फेर नंदिया बहन उतावली पसे घर र फौजा घेर। घेर घर र फौजा घेर कदे एक चामकी गिर्द मिर्द हो जाए तो दवाई फिरे राजा राम राम। रे अब बाताना बेसवार लगावता राम सा और टेम बदित मान वे अरने उज्जैन नगरी शहर रे मई और सेठ मलुचंद जी आपरो काम काज करे करे और भगवान दी मेहरबानी। वह सब अब सेठ आरे कोई प्रकार की कमी को हो नहीं। पर सबों बड़ी एक कमी हाँ सर धनमाल माया संपत्ति दुकाना दूजी सब घनी गणी पर सेठ आरे पुत्र को हो। नहीं, या काया नहीं, या माया। दो चीज मु एक चीज बड़े जिनने ज्यादा संपत्ति बड़े हाँ सर उठे तो पुत्री कमी आ रहे बिल्कुल और जिन जिग्या परिवार ज्यादा वे उठ भगवान धन देखो नहीं उठ बज बुआ जी तड़िया। करे अब शेर जी रे धनमाली कमी नहीं है। हाँ पर सर पुत्र नहीं जना सब माया अलोप हाँ, वह हैं कमी जैसे। बात सब कमी वे सस बिना सुनी रहन ज्ञान बिना हृदय सुना कुल सुना बिना पुत्र वाह परिवार में कुल वे और बिना पुत्र वे तो आगे पीढ़ी चले। अगर चले सर पुत्र नहीं वे तो बाप पीढ़ी बुटू खत्म। हो जावे। अब उन डेम रे मई शेर जी बड़ी भारी मन में विचार करे चिंता करे के परमात्मा धनमाल सब दे दियो हाँ सर पण जे हवा ये माटी देवे बच्ची हो जातो अपन तो टाइम पास हाँ टाइम पास हो जावे बिन माता अपन जीवन सफल हो जावे। बस अब क्यों बेटो और बेटी बराबर वे बराबर और है। बेटो बदी मतलब बेटी भी बेटी आपके या बेटो करे सर। तो 20 साल कमावे हाँ और बेटी जिंदगी तक माई तो माँ बाप रो मतलब सारो राखे बेंगी सेवा करे और चाहे बा सासरा में रहे तो जीव माता पिता में एवे रहे। अब सेठ वो मन में विचार करे अरने सेठानी बाई चिंता करे तो चिंता तो कोई काम बने नहीं। बने कौन से शेर जी री उम्र होगी करीबन 50 रे लगभग। बा अब 50 रे लगभग उम्र होगी बैठा है जिते तो धन सब कुछ भी रुखाड़ी रखे राके और धनी गया पचे धन वो हूनो हो जावे सर धनी वे जिते तो वो धनिया रो धन बाजे बाजे। और धनी जे गया रे पचे बिन धन ने पच हुई बोले कि वो धन धनिया रो कोई नहीं हूनो धन। हुन्नो दान अब सेठानी पतिव्रता नियम पालन करे। वह अब राम साहब आ सेठानी पतिव्रता नियम पालन करे पति ने भोजन जिमावे पछे बाद में आ भोजन जी में पतिवर्ता। पतिव्रता और कन्ने पहली टेम में कूलर पंखा होता कोरी हाँ सर और कन्ने पंखो ले और भी पंखो बाहर गले बस सब या कोई दुपटो वे बिनु पति की सेवा करे हवा गाले भोजन गाले जिमावे के आनी प्रसन्न हो जावे। सब इन्हें साबरी भी सेठ की सेवा करे सेठानी घर में दृष्टि लगावे और मन में विचार करे परमात्मा धन दियो पर पुत्र दियो हो। नहीं। सेठा ने क्यों सेठ जी एक आपने मारो क्या करना पड़ी हाँ सर आपा जिया जीते घने जिया। अब यारे दो मकान दे तालो वाह और रातों रात आलो और भगवान के नाम माते आपा खत्म। हो जाओ सेठ जी ने रिपियो रिपियो भेड़ो करियो छुट्टे को बने। धनमाल बहुत दूर हो गए भेड़ो हाँ जी उठे उड़ावना तो हो और कर्म कमाई करनी बहुत ही। दौरी ऐसे तो आपने जो को गिस्ती धर्म में रहे वहां बहने आगली लाली सब विचार करनो हाँ सर तो वे किन प्रकार हूं अपने संपत्ति भेड़ी करनी और किन प्रकार हूं आगे अलग क्यों अलग रास्ते लगावनी। अब बिना क्योटिया वो धनी रहेगा रेवे खोल तो सेठानी रे जो को बात जचगी वाह तो माया अपन कोई कामरी खोली और शेर जी आप भगवान ने नाव रे माते दोनों खत्म हो जावा। हाँ अब शेर सटाने कोई बारे में जावे तो बहने मतलब कोई आवे हामी तो बहने अपशगुन माने माने शेठ और सेठाने दोनों हाँ क्यों बहने मतलब पुत्र नहीं। इन कान मुंडो देख कर कौन से अब लोग सुबह टाइम बेगा कर डियर ड्यूटी जावे अगर बहन मुंडो देख ले तो पूरे दिन में पिछता वे बस सब जन सेठानी चिंता करे और सेठ ही चिंता करे पर सेठ हवा के लिए काल जालो सेठ की सेठानी और यूं अपा होज करिए तो पार ये मौको है।
जिया जीते तो माया अपा है जो को जाऊं दा कोनी हां अरे अपन लास्ट में उम्र आ जाई और जावा तो अपा रे अपन हो को नहीं धनवार संपत्ति सब भगवान की है बस सब शेठानी क्यों सेठ जी मैं तो इस संसार में हवाली जीती गणी अब मेरे कणो खत्म हो तो ठीक है बस सब और नहीं तो मैं तो खत्म हूं एम जना सेठ विचार करियो एकली ने छोड़ा तो ही पार नहीं पड़े कहो नहीं कहो भाई आप यूं करा सामरी 6 बजे आटू भोजन बना और पचा टू रवाना होवा खाना जीम ला भूखा क्यों मरा बस सब भगवान ने करे जावा तो ही भोजन जी मन जावा तो भगवान ही राजी वे हां तो के भाई भूखो तो नहीं आयो दापोड़ो गयो दापोड़ो ही पाछो आयो ओ सेठ बिलवा वे सेठानी ने के की करिया मतलब सेठानी माने तो ठीक रे बस सब सेठानी ने समझावे सेठानी मत मर और मत मन मार और मरिया कोई फायदो है कोई नहीं सेठानी एक ही डोरी करे कि नहीं भाई अपन तो खत्म हो लो हाँ सर अब आज सेठ जी आगे बात करी सामरी टेम रसोई बनाई तो सेठानी तो रसोई कम भावे भावे को तो सेठ जी रे मरनो हो को नहीं वाह वाह सेठ जी जी में दे दे खलकली हाँ सर दे दे पंपेड़ी फिर के पाचा वाह सेठानी मन में विचार करियो रे एन कोई कोट लागो ओ के भाई भगवान ने घर जानो और खत्म हो हाँ इन कारण अब घरू रवाने होगा जन सेठानी क्यों कि दरवाजा दरवाजा बंद मत कर दो ओहो खुला राग सेठ जी देन मिलियो दरवाजा बंद नहीं करा तो धन मा लोग ले जाहे संपत्ति आ रहे ना कोनी बस सेठानी क्यों अपन ले जी जिकने लिखी हुई भी नहीं मिली हाँ और सेठा आडू देवनी जरूरत कोई नहीं सेठ जी क्यों सदा भगवान उठ जावा अरे आपने कोई आशीर्वाद दे दे तो पाछो ही आनो पड़े आनो पड़े जन सेठ जी पुगा बे सब घर मकान दे आडर ताल दे दिया बस सब आगे सेठ जी बेवे लारे बा सेठानी बेवे सेठ बैद बैठा भगवान को अरदास करे हे परमात्मा भोली सेठानी है हाँ सर आप भी मने मरी मनी मारे मारे अब यूं करता आप बैठा है उन शिव जी री शिवरात्रि जब शिव जी री शिवरात्रि दिन दुनिया जागण जमो देवे महादेव जी री मिंद्रा के भेला उड़ा वाह संत मंडली आयोड़ी हाँ सर संत मंडली खड़ी भगवान समान परमात्मा राचा भजन बोले महादेव जी रो ब्याह नो बोले वाह और सेठ अकल उपजे सेठ देन बोलिए सेठानी मरनो तो ही हाँ पर पहली आला 5 भजन हुला भगवान रा ईश्वर रा नाम रा यार अवट मिंद्र भगवान महादेव जी रो हाँ और इन मिंद्र आगे देख भगवान ही भगवान बैठा है हाँ ए भगवान आज संत मंडली है भगवान में भगवान बसे बसे भगवो कोई भी पैर ने वे और बिना आप आदेश करा तो बिन मई तो भगवान रो पास बस हो गए तो सेठानी 5 भजन हुण और पचे खत्म हो जावा तो अपन होश को नहीं सेठानी क्यों सेठ जी मने की मरना लो थार पे हम लागे हाँ सर तो मरनो चाहो को सेठ क्यों आप चिंता ही मत करो तो आग आप मर जावा और ते चिंता मत करो जो 5 मिनट डाला आना 5 भजन हुण ते आप आटू रवाने हो जावा रात पूरी अपन आगे आराम नच उम्र अपन कोई रोकनी को हाँ कुणी मना नहीं करे कुण मना करे अब सेठानी शेर ने समझो देखो सेठा आनी थे बुढ़ जान जान बह जो बीच सभा में तक सेठानी होची मत कर सभा में नहीं बहू अगर जे आगो पाछो बह जाऊं तो तू असर हो देते आप तू भी हो जावा अब शेर जी भी जागण जमा में जावे और सेठ जी रुकाल जो नच आयो आयो सेठ जी की रात रात तो बच जावा आज तो मरा को नहीं दूसरे दिन बढ़ते की जाए हाँ सर जिनको रखे साया उनको मार सके ना कोई कोई परमात्मा रा हाथ ऊपर है तो मारे नहीं संसार में कोई नहीं और भगवान ऊपर हाथ आगे ले ले तो भी न बचाऊ कोई है कोई शेर जी बड़े सबारे मई जावे और गांव बस्ती रहा तो ओलता हाँ सर जगतपति शेठ वाह धनमाल माया तेरा तीन नाव पूछो परसो और परसा राम राम अब आदेश ऑटोमेटिक करे सब हाथ जोड़ सेठा ने रामा समा दिया रामा समा करिया अब उन टेम रे मई शेठ जी ने आगे हिलो करियो हाँ आदर करी सर शेठ जी बीचे आओ शेठ जी आगे पधारो शेठ जी रे आगे जानो जो हाँ सर लारे रेवत बा सेठानी उन्होंने दे नहीं वाह
अब उन टाइम सेठ जी सभा बीच जार बैठ गया है। सेठन जी की ओर सेठ जी आगे घना बैठा छेटी है और मरनो रात रात में दिन नहीं होगे बिन पहले अपन खत्म होनो है। शेर जी सवारे बीच जार बह गया अड़ने पांच भजन संत महात्मा बोलिया पांच भजन बोल और पांच भजन पूरा गया और सेठन जान असर हो दियो। शेर जी हमी असर हो दियो के भी सेठा मैं तू पांच भजन पूरा होगा और आपदा रो जो आप दोनों संत रवाने वहां दोनों खत्म हो जाओ। हाँ अब वो सेठ हाथों असर हो गयो सेठा ने चोरा नच तो न चोरा मरणो तो ही। हाँ अब उन डेमरे में ज्यादा बात सेठाणी ऐसा रख रही है सेठ जी करने जान कही हो कि देखो महादेव जी रो हम ब्याह स्टार्ट कर दिए पांच भजन बोले जैसे तो कोई दिक्कत को नहीं। हाँ सर अब महादेव जी रो है ब्याह स्टार्ट और इन मई जे कोई नींद लेवे तो बिना भी दोष लागे वाह महादेव जी रो ब्याह चालू हुए अगर वो पूरु होने तो बिने फल मिले और नींद ले ले तो भी ने फल मिले को नहीं। अब राम साहब आप आल जी बा थोड़ी थोड़ी जेर आवे आवे जन बा सेठन देन मिले सेठ जी आपने तो फल भगवान दे दे और आप हलो जो आप दो नहीं खत्म हो वहा सेठन देन मिले सेठ देन मिले सेठन जी में कि ब्याह लो होनी बिना आगे पाचाई एवं कोई नहीं मरना में तो एक टाइम लेके को नहीं पहुंची। हाँ। पांच मिनट आप तो खत्म हो जाओ। हाँ बिन टाइम को लगे अब हाल आप सिखा तू मर जावा पर ओ ब्याह लो पूरो वेन पछा तू रवा ने हुआ बा ए दोनों ही बुढ़ 5000 बैठ गा अब ब्याह लो महादेव जी रो चलू यो वही शेर जी असर हो देवे सरमा आप अच्छा ज्ञानी पुरुष हो। हाँ सर महादेव जी रो ब्याह लो जीतो धीमे गति में बोले भी तु अचो सुंदर वे। हाँ सर आनिये ते खातो खातो ब्याह लो पूरो हो धीरे 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 बोल लो क्यों सेठा ने जान पछाऊंगी। हाँ सर सेठ जी की ओर हमारे एक दो घंटों चार घंटों पूरो कर दे और आधी रात रही जे पूरो ब्याह लो जे तो आ सेठा ने अपन मरा है दे। अब वो ब्याह लो धीरे गति में बोलता बोलता सुबेरी 5 बज गई है। सेठा ने घने इशारा दिया सेठ जी तो आगे फसाई यको 5 बजी और 5 बजते ही मतलब वो पूरो ब्याह लो पूरो हो और आरती आरती करण वो एकदम सब समाप्त। हाँ समाप्त हुई जागरण समाप्त हुई वह सब। अब वह सेठानी उन टाइम रे में सेठा ने इशारा करे 5 बजे हाली 5 बजे पूजा पूजा। हाँ दिन उगो सेठ जी दियो न्यू तो जितनी संत मंडली ही सभा ने कहो भाई सुबेरी टेम में रसोई हाल मारे घरे ओहो भोजन भोजन था ने मारे घरे मारे घरे सेठानी की ओर अपन ने मरनो और सेठ जी जो को न्यूता देवे ओहो पर पति ने बाक दी ओड़ो दियो को न्यू तो देता पान क्यों देखो सेठानी जी मरना में एक दिन मोड़ो नहीं वे। हाँ तो मोड़ो की नहीं वे संता ने भोजन कराए और आ शाम रहा तू खत्म हो जावा आ शाम रहा पूरा दिन नहीं होगा सेठ जी न्यू तो दे पूरी रात रो जागण। हाँ सर और भगवान महादेव जी रो ब्याह लो बोलियो वाह पूरी संत मंडली ने ले और सेठ जी आप घर ले गया है। सेठने ने क्यों तू अच्छी तरह दिल खुश हो। हाँ। बढ़िया अच्छो भोजन बड़ा। हाँ बढ़िया बढ़िया तू लाली बात सब छोड़ दे यार आज बड़ी खुशी हूँ भोजन जीमा है भगवान है। हाँ। तो अपन बेड़ा पार हो जाए। अब सेठानी अच्छी तरह वो भोजन बनायो वाह संत मंडली में एक पंक्ति बाण और सबानी भोजन करावनो चालू करियो है। सेठ एक पंक्तना रे भोजन करावे आहा। अच्छी संता की सेवा करे करे सेठानी बढ़िया अच्छो भोजन बनायो वाह संत बड़ा भारी प्रसन्न हुआ। सभा ने दक्षिणा देवी संत भोजन जीम ते प्रसन्न वे एर बोले देन बोलियो जाओ भाई सेठा भगवान था ने नमे मैंने पुत्र देवे है पुत्र रो नाव लेता पान बाणियो राजी। आहा बाणियो बड़ो खुशी मनाई वाह वाह बाणिया रा इतनी खुशी हुई बच्चो अपन जलम को। हाँ भगत था बाणियो दौड़न कहियो देख सेठानी आज संत मंडली आज बड़ो भारी अपन वचन दियो है बस अब और नमे महीने आपरे गर्भ बच्चो चले बस अब सेठानी बड़ी खुशी होगी सेठानी क्यों रे संत महात्मा है पर अगर वो वचन कहे
तो बचन झूठो जाको। हाँ भगवान पार करे। सेठ क्यों देख सेठानी मरनो है पर 9 महीना काले निकल जाहे। भाई 50 राव या कौन ना हुआ। हाँ सर मर जरूर जावा जीव तारा को। नहीं सेठानी क्यों रे बेटो सेठ जी रे मरनो कम। हाँ पर सेठा ने भगवान जो को पड़ी पड़ी उतारे। वाह अब अचित्रे सेठ संधा ने आप दक्षिणा दे दी और संत मंडली ने बढ़िया भंगवी चादरा दे दी एक। हाँ और सब आने बटू पाचा रवा ने करिया है दांत घसे दे दे। अब दांत घसे दे दी और बे आप आशीर्वाद दे दियो और आशीर्वाद कर दी वचन झूठो ज्यादा को भगवान की मेहरबानी हुई है और सेठानी रे पेट में गर्भ रह गया है। अब ईश्वर देवणियो परमात्मा जिन वही में लिखुड़ो वे और उन्हीं वक्त रे मई बिन पुत्र वे। एवे सर अब कई कई लोग विचार करे कि भाई मारे 5 पर विया 10 पर विया 15 पर विया पर पुत्र नहीं वे तो पुत्र हमेशा वो एक बे माता रात में। हाँ सर बे माता तू बावली लिख लिख बाले अंत राई घटे कछु तिल बदे रे रे जीव निसंग। हमेशा बे माता जिन्हें लिखुड़ा लेख वे उन्हीं टेम रे मई मतलब पुत्र वे पहली उनो हरे कोई नहीं। अब सेठ रे भगवान रे विचारू अब आशा बदी बा सेठानी रे पग होरो उठे। हाँ सर और सेठ जी दुकान में होरो काम करे है क्यों का अड़दे तो माया संपत्ति बिल्कुल और अड़दे बड़ी खुशी की बात सेठा रे घरे पुत्र रो वचन लागू वचन। अब सेठानी बड़ी खुशी हुई जन सेठ जी कहता बोलो सेठानी जी थे कहता मरो। हाँ मरिया में फायदो जीवतम फायदो जीवतम है सेठानी की ओर सेठ जी न्याल कर दिया। हाँ सर अगर मर जाता तो आत्महत्या गणित थी। हाँ हमेशा भगवान जी ने शरीर मनुष्य जूनी दी है। हाँ सर अरे मनुष्य जूनी में कई कई लोग ऐडा वे बोलब करे वे खत्म वे। हाँ कोई पासी का वे कोई मतलब किने प्रकारों मरे बने। अरे भगवान थने नव नारायणी दे दी। हाँ मरण वास्ते थोड़ी दी नहीं सर वे तो कुछ ऐडो काम कर जो दुनिया में नाव चले। हाँ आप गाती सो माँ पापी आप गाती वो माँ पापी हमेशा जो को कोठीरा कण है बे पूरा पूरा दाना हमेशा जीवना चाहिए। वह सब भगवान आपने सोपरी उम्र दी है तो सोपरी पूरी करनी। हाँ एक मिनट ही अलपनी गमावनी लिरीजे तो राम जी रो नाम लेनो और कुछ सेवा वे तो कुछ गवारी जानवररी पशु पक्षी री सेवा करनी सेवा करनी माता पिता री सेवा करनी पर ऊंधू कदी रस्तो नहीं करना। अब सेठानी देन बोली सेठ जी अर बड़ो भारी मना छो ज्ञान आयो और मन नो नाव में कदी लेऊंगो नहीं। अब सेठा रे 9 महीनो हुयो सेठानी जी रे और घरे पुत्र जलम गयो है। अब पुत्र जलमियो अचित रे वे थालियां बाजी बस सब आर बढ़िया गांव में खुशी हुई। हां अच्छा ये घरे पुत्र जलमे बड़ी भारी खुशी बड़ी खुशी हुई गांव में सर। अब ढोल नगारा बाजे यूं करता करता बड़ी खुशी की बात होगी। हां सर जन सेठ जी मन में विचार करे करियो सेठ जी मन में विचार करियो भी अपन बड़ी खुशी की बात है। अब बच्चो जलम तई बा टेम टेबल लिख ली वाह जको बच्चो कोई भी प्राणी रे बच्चो जलमे। हाँ सर और जलम तई पंखिया बारे पड़ते ही बिनी टेम टेबल लिखो और पछे बिनी कुंडली कटो। हाँ वाह जलम पुत्री है वाह एक जलम पुत्री है। अब बच्चो तो जलमे 10 मिनट पहली या 20 मिनट पहली आधा घंटा पहली पचे अपने ठा पड़े पचे बिंगो अपन नाव कुंडली खड़ा। हाँ, बार टाइम टेबल अलग है बार हमेशा जी टाइम टेबल बैठे को सही है सर। अब वो सेठ जी रे बच्चो जलम तई पांके बारे पड़ते ही सेठ जी बार टाइम टेबल निकली वाह और जिन दिन माथा दो सूरज पूजे। हाँ सूर्य भगवान ने अरदास करे। हाँ सर सूरज भगवान ने छांट देवे दे दे और उन्हीं दिन एर जिता ब्राह्मण हा। हाँ सर विद्वान ब्राह्मणा ने बुलाया बा तो भाई बेटो है अपन जलमी हो है। हाँ बिन्नी कुंडली कडवा के कैडी घड़ी में वो जलम हुई। हाँ कैडा नक्तर है और नक्तर कैडा वह सब हमेशा जो कोई भी जलमे और नक्त बलि कहाँ सा फलानो आदमी बड़ो मतलब नक्त बलि है। हाँ नरा नक्त परियाण जिन उबा जगत संके वाह भोजन तपनता भाण बेराउन मरता राजा राजा हमेशा नरो नक्त हुई नक्त है वैसे एक सबर मई वो नर आवे उन टाइम सब एकदम शांत हो जावे शांत हो जावे
पर एक भी नहीं प्रभाएगा तो हजारों गाल काटे। हाँ पर मुंडा के कोई नहीं बोले सर बिनो नगते बिना नगते वे वो घड़ी पुड़ी में जलम लियोड़ो बिन कारण। अब उन डेमरे में भी बचारा जो को नक्तर पूछा वे। हाँ सर। अब ब्राह्मण देवता सभी आया पटिया लिखिया सुबह तो टीमड़ा टीमड़ा में लिखी उड़ो वे जो कोटा। हाँ जो को वे। अब बच्चो जलमे वो चोर घड़ी में जलम गयो है। अब कोई तो वे अचो पुड़ कोई कड़ो पुड़े। हाँ और बिन पुल में जल में तो बिन जड़ा नक्तर मिले मिले पर ओ जो को सेठा ने घरे पुत्र जलमियो चोर नक्तरा ओ चोर नक्तरा। हाँ सर। अब वे ब्राह्मण देवता रे गला में विचार आयो कि बेटो अपन तो गला में या गई है ओ सेठ करोड़पति। हाँ अब अपन नक्तर पूछे न आप जे कह दा कि भाई ओ लड़को है थारे चोर गड़ी में जलम को। हाँ तो सेठ अपन एक रिव्यू दिक्षणा रहो नहीं देवे और धक्का देन बारा काट बस। अब उन डेमरे में वे जीता बाणिया लोग बैठ बा बेबी सुने और अड़ने वे ब्राह्मण देवता बैठा। हाँ हैंग बैठा बे आपसरी में एक दूजो असर कर देन मिलियो सा आप रे जो को बच्चो जलमियो है। हाँ बहुत ही अच्छी घड़ी में। हाँ अच्छो शुभ मुहूर्त। हाँ सर बिंग मई जलमियो है और बच्चो राज करी और माया री कोई कमी रह को नहीं चांदी रे भाई और बढ़िया फर्स्ट क्लास चांदी दूजा जो बढ़िया बढ़िया वो नक्तर हो वो बे बाणिया ने सेटन होना दियो है। शेठ बड़ा खुशी भैया वाह खुशी वे और सबा ने एक मोर देनी स्टार्ट सोनेरी अबे मोरा पकड़ा वे वाह मरा खुशी वे मोरा लेवे और पटू रवाने होवे है। एक बूढ़ो ब्राह्मण बिन नेम हो। हाँ सर। अब वो ब्राह्मण छत्री राम देन बोलियो विचार करियो कि हमेशा झूठ जड़ो पाप नहीं वाह वाणी बोलनी सत्य बोलनी झूठ कदे नहीं बोलनो बिल्कुल। अब उन डेमरे में बहन झूठ बोल बोलनो नेम हो। हाँ सर। झूठ कदे बोलिए ही नहीं अड़ दे मतलब शेठ जी पूछे बोलो महाराज ठीक की बात सुनो। हाँ तो महाराज श्री श्री अलग ओहो जको वे कहो नहीं अच्छे पाए अच्छे घड़ी पुल में वो जलमी हो। हाँ जीती वाली चिगनी राम श्री अल्लाह उतारी है बस। अब बहरो नंबर है योजन सेठा ने ठा पड़ गई कि अरे बिल्कुल ही मतलब लकबर ऋषि कही गए ओहो लकबो ही उड़ो जन हीरा ले। हाँ ये तुम तो आले क्यों वाह पूछियो बाबू जी आपने टीपना में कहीं लिख उड़ो तो कह शेठ जी मैं कह सत्य बात जन आपने रीश जय हे हाची कहता मतलब माई माता में ठोलरी मिले बस। अब आखिर में सच्चाई पाके। हाँ जड़ा उन टेमरे में देन लियो तो महाराज आपने टीपना में कहीं है बा बात बताओ वाह। सेठ ने वो महाराज बोले कि सेठा दक्षिणा देव चे मत देव आप रे वो बच्चो जको है जको लोग ब्राह्मण देवता बात बताई वाह बे नेत्र में वो बच्चो जली में को नहीं आप रे बच्चो रो जलम हुई है चोर घड़ी में ओहो चोर नक्त और इतो खतरनाक वो चोर वेला बे थी गाड़ी वे पर भी गाड़ी रो टायर काट ले वेला और दड़ी नहीं पतो लागे को नहीं और सेठा ने री से एडीरी जार छोटी और छोटी आसमान लाग गई है। शेठ देन बोलियो रे मारा बेटा और चोरी क्यों करे। हाँ धन माया करना घड़ी चोरी कद करे कि जिन करने पयो टको नहीं वे वो चोरी करे पर भूख रे धोखे वे वो धनी चोरी करे है। धनमाल ली कोई कमी नहीं है आर महाराज आपने दक्षिणा चीजे को नहीं आप ही दे दिया तू रवाने हो जाओ महाराज की हो बे रवाने हो जाओ मार दक्षिणा की जरूरत को नहीं। हाँ। पर सेठा दो कड़ी माली लिख ले जो सत्य बात वे तो मने आप दक्षिणा दे जो नहीं सत्य बात वे दक्षिणा दे जो मती दो कड़ी लिखाई और चकनी नाम जी तो रवाने होया है तो हचीरी बात से बनी दो लगे वाह। और चको वे मैंने सेठा ने ले पड़ती बात कही और सभा ने भी दक्षिणा दिए। सेठ चकनी राम जी आप रे घरे जाते रिया बे महाराज चकनी राम जी घरे जा बैठ गया। हाँ सर। और सेठ जी रे बेटी चकनी राम जी कड़ी अंगला गई है कि सत्य बात है जड़ तो महाराज ने दक्षिणा देवा वाह। अगर सत्य बात नहीं वे तो महाराज रे मई नहीं वे जड़ी आप कर देवा अपने बेटा रान एड़ा ऊंदा नक्ता। हाँ सर।
अब सेठ है वो लड़को तिल पतो जब बदियो जब पतो तिल बदियो बच्चो बड़े हुई हो। हाँ सर, चार पांच साल लो लड़को होता ही मैंने स्कूल में दियो है तो स्कूल में लिया राम साहब जिन्ना पढ़िया स्वभाव में चाची जीव से आकज मिटा हो सिंचो गुण जीव से, जीव से। कई सिद्धांत भगवान ने घर रखे दो पलटी उड़े पलटे को नहीं चोर जवारी क्या पलटे वे माया रा मंजूर मंजूर चोर एड़ो वे जो को जिन सिद्धांत पड़ जावे तो वो मरिए चोरी छोड़े को नहीं जुआरी जुआ खेले। हाँ सर, बिनो घर बर्बाद हो जावे हो जावे और सोना चांदी सब बिक जावे तो भी वो जुओ छोड़े को। हाँ सर, अब उन डेम रे मई ए पुगा जो को स्कूल में ले और बच्चों रोजी ना स्कूल जावे पांच साल लो बच्चों वे भी ने समझ आऊं दोगी स्कूल में जावे कोई रितु कलम छोरावे और कदे की नी पार्टी लावे जब मैं ओल बोदे उन्हें जावे दो चार बारी तो आड़ करियो और रोजी ना हो तो वो हगी रस्ते पे। हाँ, अबे मेरा माता पिता बच्चा रा माता पिता आन सेठ आ के बात करी करी के सेठ जी आपरे जो को बच्चो है और लाड को है। हाँ, आपरे नहीं पूरी बस्ती रे वो बच्चो लाड को है पर आपरे बच्चो मारे बच्चा री किताब लिए कोई के मारे पाटी लिया। हाँ, कोई के मारे पेन लिया अब यूं कर पर आन सेठ आ ओड़ बा देवे रोजी नारा चलू या बा सेठ जी भी लड़का ने समझावे कि बेटा अपने घरे दुकान है। हाँ, कोई चीज की कमी नहीं है पर बेटा आज बचे के नहीं कोई चीज लानी को। हाँ, कलम दलाव किने नहीं लावना अपन नई दुकान में ले जानी पर लानी अपन कोई दी नहीं नहीं तो इन सिद्धांत पढ़ो बा तो रोजी ना स्कूल जावे और रोजी ना आग चुरान कटुई कटुई कलम पाटी तो। हाँ, लेना बा अब यू करता करता बे सेठ जी एक दिन सभा ने कह दियो रे भाई थे मने ओर बा देवो देवो थोड़ा आप रे बच्चा ने समझो बा तो क्या हो तो बच्चो और टाबर समझे कोई नहीं। हाँ, पर आप रे बच्चा ने कहो आप सावचेत रहो बा और जिन टाइम रे मैं आप रे कलम पाटी दवात लेवे बिनु पहली थे तारी तैयारी मेरे जो वापी दवात कलम मिले को नहीं सब बच्चा ने सूचित करिया बच्चा होगा सतर्क। हाँ सर, इनो ने मोक जिन दिन ओ कोई चीज नहीं लाओ तो उन दिन भोजी नहीं भाग को नहीं अब बेटो वो पंत पकड़ियो तो कोई पकड़ियो मर जाना पण दलिया नहीं खा बा चोरी करनी तो करनी। हाँ, ने बांध लियो क्यों वो तो जलम ही उन घड़ी में होगो। हाँ, ओ लड़को जावे पर रोजी नारा कलम पार्टी मिले तो ठीक नहीं मिले तो बेटो वो पगाला पगड़िया चपलरी जोड़ी और कोई लकड़ी रायड़ा पैगरिया होता तो जड़ी चीज होती वो टूबा उठा लाओ तो और थैला में पैक कर और इन ऐसा बुलानी चलू करिए गांव बस्ती का लोग ओल बा देना बंद कर दिया। ओ हो, हमेशा एक बार ओल बो दे दो बार तीन चार बार पच बो रोजी ना ओल बा किन दे देवी को बा ओ लड़कों का ही करियो नेम जेल लियो। हाँ सर, मोटो ये गोदामों भी गोदाम रे मई कलम पाटी दवात हुकुड़ा लिखतरा। ओहो, अब वे लिखतरा दूजा सब लान बेला करना रू गोदाम भर दिया गोदाम आधो घंटो भर दिया है। सेठ जी भी बच्चा रे वास्ते विचार करियो कि भी आप देखा इन परीक्षा लेवा और अब तो चोरी करे को नहीं जेड़े मतलब एक दिन कोई मतलब सामान की गाड़ी आई वाह और क्यों भी सेठा वो माल कट खाली करा तोक्षा फलानो गोदाम है पर भी गोदाम में आप खाली कर दे जो भी गोदाम में जाए परा और गाड़ी लगान खाली करे बा आगे देखे राम साहब वो गोदाम आधो है तो भरी उड़ो। ओहो, आर सेठारो बाको फाटो बकालो घी पानी रे बाव सेठ जी मन में ज्ञान करियो रे वो तो चोरी चोरी आधो गोदाम भर दियो है जलमरा घर उगा और बेटा रास्ता दूजा गलत पकड़ लिया है। शेटारे बात चिकनी राम ब्राह्मण आली बात पगा आई अब उन टेम रे मैं शेर जी मन में ज्ञान करियो रे धन मालू की नहीं वे। हाँ, बेला रो बड़ा मोती नहीं थे बा पर जिन समय रे मैं बच्चो जलमियो और बा वक्त चलती चोर घड़ी री। हाँ, घड़ी और बा घड़ी पूरा पन दुख दे बा
मायरी तो कमी नहीं है पर ओ एक जन्म हुगो इन घड़ी में तो ओ डाबुड़ी डबक हो है पर इन्हें कोई प्रकार वरस्तु छुड़ाना पड़े। वह सब सेठ भी समझदार तो भी बेटो एक ही है लाड़को बेटो है जीव उचिन ऐसा वो हम जैसी हुई समझा। अब सेठ जी का गिरियो लड़को तेरे चौदह पंद्रह साल लो यो औस्ता गणी छोटी हाँ सर सेठर घरे खाने पीने लड़को लागे वो डेड हाँ मोटियार बन गो हाँ डील कर लिया सर सेठ मन में ज्ञान गिरियो कि इन बच्चा ने पढ़ना आया था वाह पढ़ाया बंद करता एकदम यो मेल सुनाया था हाँ पर परनार पचे बादर मैं आज सेठ ने हाँ सर जन आप चोरी छूट जाहे।